हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमें इंतजार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, और काफ़ी अच्छा भी लगता है, इतने प्यारे शब्द आप लोगों ने लिखे होते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है और घर पर हो रही है साफ़ सफाई। बाकी हमारे प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों को हमने अपने एंशियंट टाइम का होम दिखाया था, और एक न्यू लोकेशन पर आप लोगों को लेकर गए थे, तो आप लोगों ने भी काफ़ी अप्रिसिएट किया। तो हमारे आज के ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा बनाया है आप सभी लोगों के लिए। तो ये मैं और प्रियंका गए थे अपने गांव में, और घास के मैदान में हम घास लाने के लिए गए हुए थे, लेकिन यहाँ पे मेरे पाँव में एक कांटा चुभ गया है, उसी को ये डॉक्टर साहिबा निकाल रही है। ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो हम लोग आए थे यहाँ पे घास काटने, और पतिदेव को चुभ गया है कांटा लग गया इनको। फिर मैंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल, कांटा निकल गया है बाहर, अब परेशानी की कोई भी बात नहीं है। तो अब आप आराम से घर जा सकते हो, आपको आराम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके आप काम कीजिए, ठीक है? ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ? हाँ, दर्द तो हुआ मेरे को। इनको कोई भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ही ऐसा था कि जो कोई भी दर्द नहीं करता था। माइक में बोलिए सर, माइक में जो भी बोलना है आप माइक में बोलिए। देखिए, हम यहाँ पे आए हैं अपने घास के मैदान में, और जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे तो मेरे पाँव में देखिए एक कांटा चुभ गया था। जोर से बोलिए, माइक में बोलिए तभी आवाज आएगी। माइक, मेरे पाँव में एक कांटा चुभ गया था। तो देखिए, मेरे साथ जो डॉक्टर साहिब है, PhD होल्डर है, देखिए इन्होंने काफी समस्याओं को दूर करती हैं लोगों के लिए, और बहुत बहुत ऑपरेशन थिएटर में इन्होंने सर्विस किए हैं, और बड़े बड़े ऑपरेशन इन्होंने सफल किए हैं। तो वैसा ही एक ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सफल हुआ आप सभी लोगों के सामने, तो अब कोई डर नहीं है। तो ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल अच्छा, और जैसे कि ऑपरेशन वाले मरीज को बताया जाता है कि आप आराम करना है कुछ दिन, लेकिन इनको कोई भी आराम नहीं बताया गया है, इनको आराम के बदले बहुत सारा काम बताया गया है। इनको काम करना है बहुत ज्यादा, तभी आपका दर्द जो है ठीक होगा। ठीक है सर, ओके। तो अब हम काटने जा रहे हैं घास, क्योंकि हमारी भैंस है भूखी, और भैंस भूखी नहीं होनी चाहिए। बाकी बैकग्राउंड दिखा दो, ये इतनी ब्यूटीफुल हिल्स लोगों को। और हम लोग गए थे आज यहाँ पे, बाकी हमारे आज के पिछले कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए पहाड़ियाँ, और हम गए थे यहाँ पे, ये जो सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल्स है यहाँ पे, और हवा चल पड़ी है यहाँ पे, सम हुआ है, ये देख सकते हैं आप, बड़ी तेज हवा। तो चलिए अब लग जाते हैं काम पे। तो थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहिबा ने जो ऑपरेशन था मेरे पाँव का, वो सक्सेसफुली उन्होंने कांटा निकाल दिया है। तो अभी तो मेरे पीछे डॉक्टर साहिबा कहीं भी दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है, पता नहीं कहाँ गई है डॉक्टर साहिबा। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा देखिए क्लिनिक से अब पहुँच गई है सीधे घास में, और हो रही है यहाँ पे जोरदार कटाई देखिए घास की, और औजार भी बड़े खतरनाक हैं डॉक्टर साहिबा के, बहुत हमारे लैंग्वेज में इसको बहुत पैन है, बड़ा पैन, बड़ी और पैन निद्राटी पकड़ रही है ऐसे, पैन निद्राटी। और हम अपनी भैंस को लेके जा रहे हैं घास। तो दरअसल मरीज को थोड़ी सी देर के लिए मैंने 5 मिनट का रेस्ट दिया है, क्योंकि अभी अभी कांटा निकाला है मैंने, तो फिर 5 मिनट के बाद इनको हम घास काटने के लिए लगा देंगे। तो ठीक है, 5 मिनट के बाद अब इस बंदे को भी लगना पड़ेगा घास में, घास की कटाई जोरदार करनी पड़ेगी। तो चलिए ठीक है। प्रियंका ने फैमिली के हर एक मेंबर को पूछा कि आज क्या बनाऊं, तो आज सभी ने हाँ कर दी है पुलाव बनाने के लिए। तो हमने आज बनाया है मिक्स वेज पुलाव। तो देखिए, ये प्रियंका ने बनाकर रेडी कर दिया है, और प्रियंका ने किस तरह से बनाया ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो प्रियंका ने सबसे पहले गाजर, आलू, गोभी, मटर, बहुत सारी वेज इकट्ठी की, और फिर इन सभी को देखिए लगा दिया है तड़का। तो ये प्रियंका प्रिपेयर कर रही है मिक्स वेज पुलाव।
तो कभी कभी इस तरह की डिश भी बना देनी चाहिए, बहुत टेस्टी लगती है। और डेली चावल और दाल खा खा कर भी मन भर जाता है, तो इस तरह की चीज़ें आप बनाओगे हटकर तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये आप लोगों के साथ शेयर कर दी लंच की रेसिपी। बाकी हमारे पिछले 2-3 ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन हमारे सब्सक्राइबर के पास नहीं पहुंचा है, तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट में बताया कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं मिली थी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने सब्सक्राइबर से और अपनी यूट्यूब फैमिली से कि आप हमारे जो प्रीवियस 3-4 ब्लॉग्स हैं आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, हमने वो भी आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। तो डिशेस की बात हो रही है तो लगे लगे हाथ आपको आज हमने मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट बनाया था तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो आज प्रियंका ने बनाए थे कचालू के परांठे, तो जो हमारे घर में अरवी कचालू पैदा हुई थी तो उसी के परांठे बना रही है प्रियंका। तो सबसे पहले इसमें जो अरवी है इसको अच्छी तरह से उबाल दिया था प्रियंका ने, और फिर इसका मसाला तैयार किया जाता है कुछ इस तरह से। तो ये प्रियंका ने देखिए जो कचालू थे उसको अच्छी तरह से मैश कर दिया है, और इसमें प्याज भी बारीक काट दिया, और साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली और जीरा अजवाइन और जो भी आपके पास मसाले हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्वाद अनुसार। तो जब ये अच्छी तरह से इस तरह से मसाला बन जाता है पेस्ट, उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हो गर्मा गर्म परांठे। तो आप सभी के सामने बनकर तैयार हैं ये डिलीशियस डिश। तो कचालू के परांठे तो बहुत ही टेस्टी होते हैं और खाने में इनका स्वाद बिल्कुल हटकर होता है एज़ कम्पेयर टू आलू ऑनियन मूली के परांठे, इन सभी से हटकर होते हैं ये। तो कचालू के परांठे अपने आप में बहुत ही खास होते हैं, तो आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इवनिंग में पिछले कल प्रियंका ने तैयार किया था मटर मशरूम, तो ये भी बहुत ही टेस्टी था और खाने में मज़ा आ गया था। तो हमारे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी बेटर सुजेशन का और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। तो हमारे आज के ब्लॉग में था इतना ही, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ।